कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में सोयाबीन के उत्पादक किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। लातूर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की कीमतों में अचानक एक रात में सोयाबीन के दामों में गिरावट आने से सोयाबीन का दाम गिरकर सीधा 6,900 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है, जबकि पहले 8,000 रुपए तक था। सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रही रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में रिकॉर्ड 444 लाख टन यानी 4.44 करोड़ टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष आरएमएस 2021-22 के खरीद अनुमान से अधिक है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव 1900 से उछलकर $1,975 प्रति औंस हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये भाव 1.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक दही और पनीर का निर्यात अप्रैल जनवरी 2021-22 में बढ़कर 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। डेयरी उत्पादकों के प्रमुख निर्यातक स्थलों में यूएई, बांग्लादेश, अमेरिका, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर, ओमान और इंडोनेशिया शामिल हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस की करेंसी रूबल में बड़ी गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले रूबल 30% तक लुढ़क गया है और नए रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। अमेरिका और यूरोपीय देश द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों से रूबल में तेजी की गिरावट आई है। वहीं रूस के सेंट्रल बैंक ने गिरते रूबल को संभालने के लिए एक हताशा भरी कोशिश के तहत अपनी प्रमुख दर को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा स्विफ्ट वैश्विक भुगतान प्रणाली से रूसी बैंकों को बाहर करने के बाद सोमवार तगड़े अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल लगभग 26% टूट गया था। रूस यूक्रेन संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 2021-22 में $100 अरब के पार पहुंच सकता है। ये पिछले वित्त वर्ष में कच्चे तेल के आयात पर हुए खर्च का करीब दुगना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी आई है। एक सप्ताह के भीतर में तेल के भाव प्रति लीटर 145 से 155 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आगे भी कीमत बढ़ने के आसार हैं। मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदे की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में आज बिनौला तेल खली की कीमत 26 रुपए की तेजी के साथ 3,093 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हाजिर बाजार की कमजोर मांग के कारण वायदा कारोबार में सोमवार को ग्वार सीड की कीमत 40 रुपए की गिरावट के साथ 5,909 रुपए प्रति 10 क्विंटल रह गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि उत्पादक क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ने के कारण वायदा कारोबार में ग्वार सीड की कीमतों में गिरावट आई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से बांस उद्योग में कच्चे बांस के इष्टतम उपयोग और उच्च लाभ प्रदाय के लिए बांस चारकोल पर निर्यात मनाही हटाने को अनुरोध किया है। बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना देगा। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।